देखिए, जल्दबाजी में और गंभीरता में फर्क करने की जरूरत है। सरकार ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो कदम उचित समझा उस कदम को उठाया है, और जैसे कि माननीय वित्त मंत्री ने बहुत विस्तार से अभी बताया है कि अध्यादेश का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी था कि जब से अध्यादेश लागू हो जाएगा उसके बाद खुदा ना करे ऐसा कहीं पर कोई अपराध हो, तो जो धाराएं इस अध्यादेश में क्रियान्वित की गई हैं उन धाराओं के मुताबिक मुकदमा या जांच और मुकदमा चलाया जाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखने की ज़रूरत है, एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है, और शालीनता से इसकी संवेदनशीलता और गंभीरता समझते हुए बाकी राजनीतिक दलों को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है वो स्थायी समिति के विचाराधीन है, उसमें से कुछ अंश उठाकर इस अध्यादेश में शामिल किए गए हैं, तो इसलिए स्थायी समिति को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। एक बार स्थायी समिति अपनी सिफारिश कर देगी उसके बाद उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए संज्ञान में लेते हुए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार उसको तय करेगी।